नमस्कार, फर्स्ट पे आज झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। सावन का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव जी से कोई भी आराधना करता है और कोई भी मन्नत मांगता है, भगवान उसकी मन्नत पूरी करते हैं। बता दें कि बिहार में जो लगातार सियासी तूफान देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से सत्ता में समीकरण को लेकर बड़ा एक उलटफेर देखने को मिलने वाला है, अब इसी बीच आज सावन के आखिरी सोमवारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन नजर आ रहे हैं। राबड़ी आवास पर रुद्राभिषेक चल रहा है और इस रुद्राभिषेक में जो राबड़ी देवी हैं वो भी शामिल हैं, जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव वो भी शामिल हैं, और साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है राजश्री वो भी इस रुद्राभिषेक में शामिल नजर आ रही हैं। बता दें कि लगातार अब ये कहा जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ को नेता प्रतिपक्ष अब मनाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की सत्ता में वापसी होने जा रही है, उसके बाद से इस पूजा को बहुत ही बेहद माना जा रहा है। तो बता दें कि राबड़ी आवास में रुद्राभिषेक चल रहा है और जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनको आवास में आने से मना कर दिया गया है। सिर्फ जो परिवार के लोग हैं इस पूजा में मौजूद हैं और तेजस्वी यादव भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राबड़ी आवास में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव वो रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं। बिहार में सत्ता के समीकरणों में उलटफेर की खबरों के बीच तेजस्वी यादव भगवान शिव की पूजा आराधना में लगे हैं। राबड़ी देवी के आवास पर आज रुद्राभिषेक हो रहा है। तेजस्वी यादव खुद भगवान शिव की आराधना करने बैठे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी का आवास मंत्रोच्चारण से गूंज उठा है। राबड़ी आवास में आज सुबह से ही पूजा आराधना जारी है। ऐसे में जो तेजस्वी यादव हैं खुद रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी पूजा में शामिल हैं। राबड़ी आवास में आज सुबह से ही पार्टी के नेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पूजा में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल हैं। बिहार के जो सियासी हालात हैं उसमें ये लगभग तय हो गया है कि तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी हो रही है और मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम होने का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। कल ही राजद ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, नीतीश ने भी जेडीयू विधायकों को बुलाया है। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कल ही होनी है। वैसे बीजेपी क्राइसिस मैनेजमेंट में लगी है लेकिन उसकी कोशिशें सफल होती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में तेजस्वी की सत्ता में वापसी तय मानी जा रही है, तो क्या सत्ता में वापसी से पहले राबड़ी आवास में भगवान की आराधना की जा रही है? वैसे भी लालू राबड़ी परिवार में किसी शुभ काम से पहले पूजा आराधना की शुरू से परंपरा रही है, तभी यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिव की आराधना के बाद तेजस्वी यादव सरकार में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, राबड़ी आवास में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिव की आराधना करने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।